नमस्कार, आप देख रहे हैं हेडलाइंस 24 समाचार चैनल। आइए रुक करते हैं आज की खबरों की ओर। भोपाल में सभी चर्चों में गुड फ्राइडे मनाया गया। सुबह से ही प्रार्थना का दौर एवं प्रभु यीशु मसीह को याद कर गुड फ्राइडे मनाया। फादर अनिल मार्टिन ने क्या कहा, आइए देखते हैं पूरी खबर। वहाँ चर्च खड़ा किया और फिर लास्ट में उसकी पत्नी ने क्या किया कि मुझे पिलग्रिमेज को एक आध्यात्मिक यात्रा में जाना है और वो मुझे पहुंचना है जहां यीशु मसीह को बलिदान किया गया। वो करीब दो यीशु मसीह के डेथ के 300 साल के आसपास की बात है। ये हिस्ट्री में हो गया। 270 में ये सब कुछ शुरू हुआ। उसमें बेटे का और राजा जी सब यीशु मसीह वाला क्रॉस कौन सा है, तो सब क्रॉस को वो हाथ लगाते थे, लेकिन जिस क्रॉस पे यीशु मसीह का बलिदान हुआ था उसको छूते ही फीलिंग्स होने लगे। जैसे ही उस क्रॉस को छुआ तो चंदाई मिलने लगी, सामान के काम होने लगे, तब पता लगा कि ये लोग यीशु। फिर बाद में क्या किया, हेलेना ने उस क्रॉस को छोटे छोटे टुकड़े बना करके पूरे चर्चेस में वहीं से क्रॉस का लगाना और क्रॉस का पहनना या क्रॉस का जो है वो वहीं से शुरू हुआ। किसने शुरू किया, हेलेना ने शुरू किया। ये क्रिश्चियन धर्म हो गया। फिर उसके बाद में फिर क्या हुआ, ब्लास्ट में से बोले के मेरे को प्रभु यीशु मसीह के जहां पर बलिदान हुआ था उसकी यात्रा करना। फिर रोम से वो वहां गई और पूरा खोजबीन करके वो पूरा खुदाई खुदाई करके तीन क्रॉस उसको मिले। तीन क्रॉस, जो तीन क्रॉस आज हम पढ़ रहे हैं कि प्रभु यीशु मसीह का क्रॉस भी। देखिए, आज शुभ शुक्रवार हमने स्मरण किया और शुभ शुक्रवार ऐसे तो दुख का दिन है क्योंकि प्रभु यीशु मसीह को आज के दिन क्रूस पर चढ़ाया गया था। और उसका कारण यह था, शुभ इसलिए बोलते हैं कि मनुष्य का पाप के कारण से स्वर्ग जाना असंभव था और मनुष्य आरंभ से ही पशुओं का बलिदान, पक्षियों का बलिदान, बकरी का, मेमने का, मुर्गे का, ऐसे दान बलिदान चढ़ाता था। लेकिन परमेश्वर ने बोला कि मनुष्य का जीवन किसी जानवर की कीमत के बराबर नहीं हो सकता। तो परमेश्वर ने अपने पुत्र को इस संसार में भेजा। उस पुत्र ने अपना बलिदान देकर के मनुष्यों को यह संदेश दिया कि अब से पशुओं का बलिदान करना कहीं से भी उपयुक्त नहीं है। लोग क्रूस को देखे और यीशु मसीह के बलिदान को स्मरण करके अपने पापों से क्षमा चाहे। तो आज का यह संदेश जो है शुभ शुक्रवार का, प्रभु यीशु मसीह ने 7 वाणियां क्रूस के ऊपर से बोले थे, हे पिता इन्हें क्षमा कर क्योंकि ये नहीं जानते। मनुष्य आज भी गुमराह है और यीशु मसीह का संदेश यही है, प्यार का संदेश, आदर का संदेश, त्याग का संदेश, कुर्बानी। जी हाँ, वो खुशियां लेकर के आया और मनुष्य को यही सिखाया कि परमेश्वर ने जगत से प्यार किया तो अपना बेटे को दिया, और जो मनुष्य एक दूसरे से प्यार करता है तो परमेश्वर की आज्ञाओं पर चलता है। तो आपस का प्रेम ही सिखाया यीशु मसीह ने कि एक दूसरे का आदर करें, एक दूसरे का प्रेम करें और एक दूसरे के लिए सहायता करें। ये मुख्य संदेश था। इस शुभ शुक्रवार को हम लोगों ने मनाया है और बड़े वैसे तो ये प्रभु यीशु मसीह का क्रूसिफिकेशन होता है, उनको क्रूस पर उन्होंने अपने प्राण दिए हैं, लेकिन हमारे लिए खुशी का इसलिए समय है कि हमें हमारे पापों से मुक्ति मिली है और हमें उद्धार, सेल्वेशन, जो स्वर्ग में जाने का रास्ता है वो प्रभु यीशु मसीह ने हमारे लिए खोला है। इसीलिए हम सब के लिए और संपूर्ण जगत के लिए परमेश्वर ने ये स्वर्ग का मार्ग खोला है कि जो प्रभु यीशु मसीह के नाम को जानेगा, उस पर विश्वास करेगा, उसको स्वर्ग दिया, उसको स्वर्ग मिलेगा, वो स्वर्ग में जा सकेगा। तो ये इस संसार के लोगों के लिए बहुत खुशी की बात है, संपूर्ण समाज के लिए बहुत खुशी की बात है कि हम सब के लिए उद्धार मिला है, मुक्ति मिली है और स्वर्ग का मार्ग हमको मिला है। फिलहाल के लिए इस खबर में इतना ही। बने रहे हेडलाइन 24 समाचार के साथ। नमस्कार। ऐसी खबरों में बने रहने के लिए हमारे चैनल को लाइक सब्सक्राइब जरूर कीजिए।